हेलो गाइज, मैं एसपी आपका एक और न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। गाइज, मैं एक एमजेड कंपनी का आज मेगा फ़ोन लेके आया हूँ, जो मैं आपको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और लाइव रिव्यू करूँगा। ये कैसा क्वालिटी आएगा, इसमें क्या फंक्शन दिए गए हैं और इसमें कौन सा बैटरी है, ये क्या लाइफ टाइम कितना आएगा, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके पूरा स्टेप स्टेप दिखाऊँगा। और गाइज, इसको खेत में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें डॉग का वॉइस और भी कई वॉइसें दी गई हैं और पुलिस वाले भी इसका यूज़ करते हैं। चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉक्स पे क्या फंक्शन दिए गए वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेगा फ़ोन एमजेड कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है MIC11। और भी इसमें क्या फंक्शन दिए गए, तो USB का फंक्शन दिया गया गाइस, और इसमें पेन ड्राइव भी डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड। और गाइस, इसमें डॉग का वॉइस दिया गया है। तो बैक साइड क्या फंक्शन दिए गए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो पावर आउट ऑफ की बात की जाए 75 वाट दिया गया है और रिकॉर्डिंग टाइम 300 सेकंड दिया गया है, बोले तो 5 मिनट। और कितना दूर इसका रेंज जाएगा, तो 500 मीटर रेंज दिया गया है, 500 मीटर इसका वॉइस दूर जाएगा। और भी नीचे फंक्शन दिए गए, जैसे रिकॉर्डिंग, USB, पेन ड्राइव, वायरलेस। चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ इसमें क्या देखने को मिलता है गाइस। तो गाइज, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो चलो गाइज, सबसे पहले हमारे को देखो एक छोटा सा एडेप्टर देखने को मिला है, जो इसका बैटरी चार्जिंग करने के लिए है। तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ किस प्रकार का है। तो ये देखो, एक एडेप्टर है जो लिथियम बैटरी को चार्जिंग करता है। गाइज, मेगाफोन को भी बाहर निकाल लेते हैं और क्या देखने को मिलता है गाइज इसके अंदर। तो गाइज, एक छोटा सा केबल देखने को मिला है जो इसको चार्जिंग करने के काम में लिया जाता है। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें 2-in-1 चार्जिंग है, इसको सेल को बाहर निकाल के भी चार्जिंग कर सकते हो और मोबाइल पिन से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2-in-1 है। तो कई इस प्रकार देखो, मेगाफोन एकदम क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी दिखने में है और स्टैंड दिया गया है फोल्डेबल। और गाइज, इसके फंक्शन दिखाने से पहले मैं आपको इसका बैटरी दिखा देता हूँ, इसमें कैसा बैटरी आता है और कौन सा बैटरी आता है। तो हम ओपन करते गाइज, तो गई जी इसमें लिथियम बैटरी आता है 3.7। तो इस कैप को निकाल देंगे और उल्टा बैटरी आता है, तो हम इस बैटरी को सीधा डालेंगे। तो बैटरी को निकाल देते हैं गई जी एक बार, ये देखो। तो और इस प्रकार आपको बैटरी को डालना है गई जी, और हम फिट कर देते हैं वापस। चलो गई, बैटरी फिट हो गया। तो अब ऑन करके देखते हैं गई। तो फर्स्ट वाला बटन को प्रेस करेंगे तो रेड लाइट दिखाएगा ऊपर, देखो रिकॉर्ड लाइट ऑन हो गया गाइज। तो बोल के दिखाते हैं डायरेक्ट, तो देखो गाइज, यहाँ पर देखो माइक्रोफोन दिया गया है जो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, और सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो रिकॉर्ड का है, तो हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन से। तो चलो गाइज, दो नंबर जो बटन दिया गया उससे वॉइस रिकॉर्ड होता है, और तीन नंबर बटन दिया गया उससे वॉइस प्ले होता है, और जो चार नंबर बटन दिया गया उसमें डॉग का वॉइस और भी कई वॉइसें दी गई हैं जो मैं आपको सुना देता हूँ गाइज। लॉयन का वॉइस, तो इस प्रकार वॉइसें दी गई हैं। तो गाइज, इस एक और USB का भी ऑप्शन दिया गया है ऊपर, और ये देखो USB का ऑप्शन है गाइज। और गाइज, नीचे तीन बटन और दिए गए हैं जिसमें वॉल्यूम कम कर सकते हो और वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हो, और सेंटर का बटन दिया गया है, कोई भी सॉन्ग या रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप कर सकते हो। तो गाइज, क्वालिटी की बात की जाए एकदम बेस्ट क्वालिटी है, देखो एकदम हैवी है, वेट भी है इसमें, और MZ कंपनी का है। और दो और ऑप्शन दिखा देता हूँ गाइज, इसमें पेन ड्राइव भी डाल सकते हो गाइज, चार्जिंग का पॉइंट भी दिया गया गाइज। तो दो प्रकार से चार्जिंग कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक एडेप्टर सेपरेट दिया गया है।